हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। टुडे इन द कनेक्शन ऑफ द प्रीवियस सेशन आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वन और टू पैराग्राफ्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब। It's not a simple task. It follows different types of complexities, difficulties. So it appears very simple, but it's difficult to translate from one language into another. Students, I am Dr. S.R. Bhargav, Associate Professor, Department of English. सर्टेन सेंटेंसेज आर गिवन, कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं से ही रिलेट करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है, उस पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए कुछ लाइंस आपको चेंज करनी है दूसरी भाषा में, जो इस प्रकार से हैं। जैसे एक पैराग्राफ है, विद्यालय वह विश्वविद्यालय के छात्रों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का कारण उनकी ये दृढ़ भावना है कि उनके वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और प्रशासक, अध्यापक और शिक्षाविद उनके विचार और आकांक्षाओं की उपेक्षा कर दें। उसकी असुरक्षा की भावना ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है। अब सही समय आ गया है कि उनकी वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण व निराकरण करने के लिए सच्चे व प्रयत्न किए जाएं व ठोस कदम उठाए जाएं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें आपको इस तरह से समझनी होगी, जिसका अनुवाद है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मीन्स असंतोष। Among the students of colleges and universities, culminating in indiscipline, has stemmed from their deep-rooted feeling that their views and aspirations are ignored by their elders, politicians, administrators, teachers, and educationists. The students, जो sentence है वो काफी लंबा है, sentence थोड़ा difficult है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश की गई बनाने की। रेस्टलेसनेस यहाँ पे है असंतोष। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स के साथ असंतोष की भावना किस लिए है कि उनकी अनुशासनहीनता है। दे फील वेरी इनडिसप्लिन्ड, हैज़ स्टम्ड फ्रॉम देयर डीप रूटेड फीलिंग। यह उनकी काफ़ी गहरी जड़ें भावनाओं के तौर पे हुई, जिसकी वजह से संतोष है। दैट देयर व्यूज एंड एस्पिरेशंस आर इग्नोर्ड बाय, उनका ये सोच है कि उनकी भावनाओं की कदर, उनकी प्रशंसा बड़े लोग नहीं कर पाते, जिसमें पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स एंड एजुकेटर्स। उनकी असुरक्षा की भावना ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। द सिचुएशन हैज बीन एग्रीवेटेड बाय सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग देम। अब सही समय आ गया है कि उनकी वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण व निराकरण करने के लिए सच्चे व प्रयत्न किए जाएं और ठोस कदम उठाए जाएं। इट्स हाई टाइम दैट सिंसियर एफर्ट्स बी मेड एंड कॉन्क्रीट स्टेप्स टेकन टू एनालाइज एंड सॉल्व देयर जेन्युइन प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, आपको हिंदी में सेंटेंस दिए जाते हैं इस तरह से पैराग्राफ। पैराग्राफ एग्जाम में जरूरी नहीं कि सिंपल ही आए, थोड़ा सा उसको कठिन बनाने का प्रयास किया जाएगा। सेंटेंस थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कुछ सेंटेंस जैसे सिंपल भी हैं, जैसे लोग गर्मियों में घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते, पीपल डोंट लाइक टू गो आउट ड्यूरिंग द समर। पिताजी हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, फादर फुलफिल्स ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स। वह सुबह कॉफ़ी नहीं पीती है, She does not take coffee in the morning. वह बच्चों से काम नहीं करवाता है, He doesn't make the children do the work.
क्या वह सड़क कॉलेज तक जाती है? डज दिस रोड लीड टू द कॉलेज? वे घर कैसे आते हैं? हाउ डू दे कम टू होम? बिजली कब जाती है? व्हेन डज द इलेक्ट्रिसिटी पावर गो ऑफ? हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या संकीर्ण धार्मिक और भाषा संबंधी मतभेदों को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टि के विकास की है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स फेसिंग आवर कंट्री इज द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशनल आउटलुक ओवर राइडिंग पैरोकियल रिलीजियस लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन। इन दिस टास्क द यूनिवर्सिटीज कैन एंड शुड प्ले ए डिसाइसिव पार्ट। सो स्टूडेंट्स, बड़े सेंटेंस थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन आपको बनाने हैं। कुछ सेंटेंस इस तरह से भी हैं, बच्चा फूट फूट कर रो रहा है, द चाइल्ड इज वीपिंग बिटरली। आपको स्टूडेंट्स शब्दों के शब्दार्थ पे न जाके शब्दों पे न जाके उनके अर्थ पे जाना है। फूट फूट कर रोना, फूट फूट यहाँ पे कुछ वर्ड नहीं है, फूट फूट रोना बिटरली बुरी तरह से रोना। उसे चक्कर आ रहे हैं, सी इज फीलिंग गिड्डी डिजी, हमें डर लग रहा है, वी आर फीलिंग स्केयर्ड। वह बर्तन नहीं धो रहा है, ही इज नॉट वॉशिंग यूटेंसिल्स। क्या तुम फूल तोड़ रहे हो? आर यू प्लकिंग फ्लावर्स? बारिश कब से हो रही है? सिंस व्हेन इज इट रेनिंग? सिंस व्हेन इट इज रेनिंग? उसने अभी तक कपड़ों पर इस्त्री नहीं की है, सी हैजंट आयरन्ड द क्लॉथ्स येट। हम अपने बाल कटवा चुके हैं, वी हैव गॉट आवर हेयर कट। वह सो गई है, सी हैज स्लेप्ट। हमने डिनर कर लिया है, वी हैव टेकन आवर डिनर। क्या आपने अपना मोबाइल रिचार्ज करवा लिया है? हैव यू गॉट योर मोबाइल रिचार्ज्ड? तुमने उसका अपमान क्यों किया? वाई हैव यू इंसल्टेड हिम? सो ये सेंटेंस थोड़े सिंपल हैं, फिर भी आपको इसमें पॉजिटिव वर्ब्स गेट गोट हैव इनका आपको प्रयोग करना आना चाहिए। कुछ सेंटेंसेस और हैं, जैसे बच्चे आधे घंटे से कागज़ फाड़ रहे हैं, द चिल्ड्रेन हैव बीन टीयरिंग पेपर्स फॉर हाफ एन आवर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह 10 मिनट से उबासी ले रहा है, ही हैज बीन यानिंग फॉर 10 मिनट्स। यानिंग उबासी लेना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम 2 महीने से रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, वी हैव नॉट बीन डूइंग रिहर्सल फॉर 2 मंथ्स। क्या महात्मा पिछले 2 दिनों से उपदेश दे रहे हैं? हैज द महात्मा बीन गिविंग सरमन्स फॉर द लास्ट 2 डेज? वह कब से कमीज सिल रहा है? सिंस व्हेन ही हैज बीन स्टिचिंग द शर्ट। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस प्रकार से सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। इसमें आपको एक चीज़ ये देखनी है कि जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जो शब्दों से बनी हुई होती है, लिटरल ट्रांसलेशन, और एक होती है जिनका अर्थ इम्पोर्टेंट होता है, शब्द इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो होते हैं लिटरेट ट्रांसलेशन। हमने इसमें लिटरेट ट्रांसलेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। जैसे सेंटेंस में हमें कोई वर्ड पे नहीं जाके उसके मीनिंग पे जाना होता है, ऐसे ही जैसे सेंटेंस को हम एक बार फिर देखते हैं कि जैसे द चाइल्ड इज वीपिंग बिटरली, फूट फूट कर रोना, अगर हम डिक्शनरी में ढूंढें कि फूट फूट कर रोना, फूट फूट, क्या कोई शब्द मिल सकता है? तो शायद हमें नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जो लिटरेट ट्रांसलेशन है वो है बिटरली।
उसे चक्कर आ रहे हैं। अगर हम सोचें कि ट्रांसलेशन को शब्दों पे ही बनाया जा सकता है, तो चक्कर को हम क्या सर्किल या राउंड वर्ड यूज़ कर सकते हैं? हमने कहीं यूज नहीं किया है। हमने उसका सेंस है, मीनिंग वो यूज किया है गिड्डी और डिजी। शी इज फीलिंग गिड्डी और डिजी। तीसरा सेंटेंस है कि हमें डर लग रहा है। डर, डर लगना, जैसे कि कोई हमें सामने से डर एक मानव की तरह से सामने आ रहा है, ऐसा नहीं है। वी आर फीलिंग स्केयर्ड। इस सेंटेंस में डर लगना प्रतीत हुआ। वह बर्तन नहीं धो रहा है, सिंपल सेंटेंस है। ही इज नॉट वॉशिंग द यूटेंसिल्स। क्या तुम फूल तोड़ रहे हो? आर यू प्लकिंग फ्लावर्स? ये भी सही है। इसके अलावा उसने अभी तक कपड़ों पर इस्त्री नहीं की है। इस्त्री, सिंपल सेंटेंस। इस्त्री को सोचते हैं कि इस्त्री या वुमेन तो नहीं है। नहीं, यहाँ पे है कपड़े प्रेस करना, लेकिन प्रेस शब्द यूज कहीं नहीं किया गया। आयरन, आयरन वैसे लोहे को कहते हैं, लेकिन आयरन, आयरन मीन्स होता है इस्त्री करना, प्रेस करना। शी हैज नॉट आयरन द क्लोथ्स। हम अपने बाल कटवा चुके हैं। देखिए इसमें सेंटेंस में हम क्या करता है, यहाँ पे बाल काटने वाला तो दूसरा है, लेकिन हमने अपने आप को पैसिव फॉर्म में माना है और पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हुए, हैव का यूज़ करते हुए, गुड का यूज़ करते हुए हमने इसको ट्रांसलेट किया है। वी हैव गुट आवर हेयर्स कट। वह सो गई है। शी हैज स्लेप्ट। बड़े सिंपल सेंटेंस है। हमने डिनर कर लिया है। देखिए डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इसके लिए आपको जो टेक शब्द है उसका इस्तेमाल करना होगा। वी हैव टेकन आवर डिनर। क्या आपने अपना मोबाइल रिचार्ज करवा लिया है? ये फिर सेंटेंस अगेन पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड है। हैव यू गोट योर मोबाइल रिचार्ज्ड? हैव यू गोट योर मोबाइल रिचार्ज्ड? तुमने उसका अपमान क्यों किया? ऊपर वाले सेंटेंस में आपको गोट जो पॉजिटिव वर्ब है उसका इस्तेमाल मिला। तीसरा, तुमने उसका अपमान क्यों किया? व्हाई हैव यू इंसल्टेड हिम? बच्चे आधे घंटे से कागज फाड़ रहे हैं। चिल्ड्रेन हैव बीन टेयरिंग पेपर्स फॉर हाफ एन आवर। सिंपल सेंटेंस, टेयरिंग मीन्स फाड़ना। वह 10 मिनट से उबासी ले रहा है। ये जो 5 सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को शो कर रहे हैं, इसलिए इसमें हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस, अदरवाइज फॉर का प्रयोग होता है। ही हैज बीन यानिंग फॉर 10 मिनट्स। हम 2 महीने से रिहर्सल नहीं कर रहे हैं। रिहर्सल, तैयारी, रिहर्स। वी हैव नॉट बीन डूइंग रिहर्सल फॉर 2 मंथ्स। क्या महात्मा पिछले 2 दिनों से उपदेश दे रहे हैं? हैज द महात्मा बीन गिविंग सरमन्स फॉर द लास्ट 2 डेज? सरमन्स यानी उपदेश देना। वह कमीज कब से सिल रहा है? कमीज से शर्ट, सिल रहा था स्टिचिंग। सिंस व्हेन ही हैज बीन स्टिचिंग द शर्ट? तो स्टूडेंट्स, आपने ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस देखी। कुछ लेंदी पैसेज, पैराग्राफ भी आ सकते हैं। हमने 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ लिया, आपने उसको समझा। इसके साथ में कुछ सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के लिए, कंटिन्यूस के लिए, परफेक्ट के लिए और परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। स्टूडेंट्स, आपको एग्ज़ाम में ये ट्रांसलेशन वाला पेपर करना है, ट्रांसलेशन जिसमें आए वो करना, बिकॉज इट्स स्कोरिंग, ये स्कोरिंग है। और स्कोरिंग के साथ में आपको कम टाइम में, इंटरेस्टिंग वे में अच्छे मार्क्स दिलाने की कोशिश में की जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम सेविंग, टेंशन सेविंग, टेंशन को दूर करने वाला रिमूविंग से ये टॉपिक है, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर योर नाइस कोऑपरेशन। थैंक्स, और आगे के लिए बेस्ट विशेष थैंक्स।